हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। 8th क्लास है, ठीक है। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस, वेरी गुड बेटा। हाँ बच्चों, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है, उनको हम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, आज की क्लास के अंदर। तो देखिए पहले बच्चों, क्लास है बच्चों आपकी 8th क्लास, ठीक है। और सब्जेक्ट है बच्चों आपका साइंस, ठीक है। हाँ तो बच्चों, हमने कल से 8 के बाद डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन किया था? 10th वाला। मैंने बताया था आपको कि 9th क्वेश्चन का आंसर बड़ा है, ठीक है। तो आज 9th क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 मेंशन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली एक्सप्लेन। हाँ बच्चों, ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ड्राई लीव्स होती हैं, जो ड्राई पत्तियां होती हैं पेड़ की, सूखी पत्तियां होती हैं, वो बच्चों जल्दी आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। जबकि जो गीली पत्तियां होती हैं, उनको टाइम लगता है आग पकड़ने में। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि गीली जो पत्तियां होती है बच्चों, उनके अंदर क्या होता है? पानी होता है, होता है ना पानी उनके अंदर? यस बच्चों, हाँ। तो पानी के कारण उनको आग पकड़ने में, उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है जो बढ़ जाता है, इसलिए उसको आग पकड़ने में टाइम लगता है। जबकि जो सूखी पत्तियां होती हैं बच्चों, उनके अंदर किसी प्रकार का मॉइस्चर, किसी प्रकार का वाटर नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी आग पकड़ लेती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम बच्चों इसका आंसर लिखते हैं, ग्रीन लीव्स कंटेन contain lot of water so when we show अभी बताया कि उसके अंदर क्या होता है। पहले बच्चों, सूखी पत्तियों के अंदर पानी नहीं होता है, लेकिन जो ग्रीन लीव्स होती है बच्चों, उनमें क्या होता है? पानी होता है। तो ग्रीन लीव्स कंटेन लॉट ऑफ वाटर, सो व्हेन वी ट्राई टू बर्न ग्रीन लीव्स उसके बाद है वॉटर कंटेन्ड इन द लीव्स कूल्स द टेम्परेचर cools the temperature
यहाँ पे बच्चों इसको थोड़ा साफ करने के बाद वो लीव्स कोर्स द कंपोस्टाइल मटेरियल्स यहाँ पे लिखना है कोर्स द कंपोस्टेबल मटेरियल्स materials so that its temperature is brought low
देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इट इज डिफिकल्ट, मतलब ये कठिन होता है टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, मतलब जो गीली जो पत्तियां होती है उसका जो ढेर होता है बच्चों, उसका उसको जलाना एक प्रकार से डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बट लेकिन ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, लेकिन जो सूखी जो पत्तियां होती है बच्चों वो आसानी से क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है। एक्सप्लेन करना इसको, उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, ग्रीन लीव्स कंटेन लोट ऑफ वाटर, जो ग्रीन लीव्स होती है उसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, पानी होता है, ठीक है। सो व्हेन वी ट्राई टू बर्न, जब इनको जलाने की कोशिश करते हैं ग्रीन लीव्स, ठीक है, उसके बाद क्यों, क्योंकि उनके अंदर पानी ज्यादा होता है, ठीक है। वॉटर कंटेंट इन द लीव्स कूल्स द कंबस्टाइल मटेरियल्स, मतलब जो पानी होता है वो कंबस्टाइल मटेरियल्स को क्या करता है, कूल करता है, ठंडा करता है, ठीक है। मटेरियल्स सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर होता है वो इग्निशन टेम्परेचर से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। This prevents, इससे क्या होगा, this prevent the burning of green leaves, मतलब ये green leaves को जलने से रोकता है। In case of, अब हम बात करते हैं dry leaves की, in case of dry leaves, water is absent. Dry leaves में बच्चों बस ध्यान रखना कि dry leaves के अंदर पानी नहीं होता है और green leaves के अंदर पानी होता है, बस ये एक एक main कारण है, ठीक है। और दूसरा ignition temperature का, ठीक है, लिख देना। Absent in them, so burning process start as the temperature is raised. इसका temperature बढ़ाया जाता है, above the ignition temperature से ज़्यादा, उसका ignition temperature से कम किया जाता है और इसका बढ़ाया जाता है। And leaves catch fire easily. और इस जो leaves होती है बच्चों, वो आसानी से क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों बात करते हैं next question की। सभी बच्चे अपना video visible रखें। Yes बच्चों, विजिबल करें अपना वीडियो बेटा। हाँ आप कह रहे बच्चों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 9 क्वेश्चन हो गया, 10 हमने कल कर लिया था, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, है ना, मैं लिखता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 11। इन एन एक्सपेरिमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 केजी किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न्ड, द हीट प्रोड्यूस्ड वाज, उसमें से जब हीट निकलती है, मतलब जब 4.5 किलोग्राम फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से कितनी हीट निकलती है, ठीक है बच्चों, कितनी हीट निकलती है। हाँ तो द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलो जूल केजे, केजे का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, किलो जूल होता है, ठीक है। हाँ कैलकुलेट द, अब हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीफिक
वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ऑफ द फ्यूल। हाँ बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू हमें इसमें से फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें पता है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसका मात्रक होता है किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो किलो जूल की जो वैल्यू है उसके अंदर हमें किलोग्राम का भाग देना है। ठीक है बच्चों, जैसे किलो जूल की वैल्यू कौन सी बच्चों, ये है, मतलब 180,000 के अंदर बच्चों हमें भाग देना है किसका, हमें भाग देना है बच्चों इसका भाग देना है 4.5 kg का, 4.5 kg का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसको ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे जीरो आ गया, उसके बाद यहाँ पे कितनी बार कट गया, यहाँ पे कट गया बेटा 4 बार, तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों इसका 40,000। कितना आंसर आएगा बच्चों, 40,000, 40,000 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको हम मेथड से करते हैं बच्चों, तरीके से करते हैं, फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस बराबर टोटल हीट प्रोड्यूस्ड और बटे में क्या देंगे बच्चों उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो यहां पे लिखना है टोटल मास पर, टोटल मास मतलब कितने फ्यूल को जला रहे हैं, कितने किलोग्राम फ्यूल को जला रहे हैं, कितने किलोग्राम फ्यूल को जला रहे हैं बच्चों, हम 4 किलोग्राम फ्यूल को जला रहे हैं और उसमें से हीट बच्चों कितनी निकल रही है, 180,000 किलो जूल। तो यहां पे देखो टोटल हीट प्रोड्यूस कितनी है बच्चों, 180,000, और यहाँ पे टोटल मास कितना है जो जिसको जला रहे हैं उसका है 4.5। तो बच्चों यहाँ पे हम रखते हैं तो टोटल हीट प्रोड्यूस कितनी है बच्चों, 180,000, और उसके बाद बच्चों ये कितना है 4.5। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। अब जब इसको हम काटते हैं बच्चों कितनी बार करता है ये, 4 टाइम करता है, तो यहाँ पे बच्चों आता है 40,000 किलो जूल और पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, प्रति किलोग्राम से हमें कितने किलो जूल एनर्जी मिल रही है, 40,000। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कल करवा दिया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कल करवा दिया था और अब क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, तो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आई बच्चों, 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ये यूनिट जरूर लगा रहा बच्चों, किलो जूल और पर किलोग्राम। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के आगे जो निकला है उसके आगे हमें इसकी यूनिट लगानी। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया पहले बच्चों, बताए मेरे को। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट सभी बच्चों ने ले लिया है, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
तो इससे रिलेटेड बच्चों कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सकते हो ना बच्चों, कर सकते हो ना, यदि वैल्यू अलग दे रखी हो तो आप उसको आराम से कर सकते हैं ना। हाँ, अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग be cold, be cold, combustion। हाँ बच्चों, देखो बच्चों combustion को भी oxygen की requirement होती है ना, और जो rusting होती है जंग लगती है उसमें भी oxygen की requirement होती है, इसलिए ये दोनों process एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो can the process of rusting be cold, combustion discuss करना है बच्चों में, तो यस आएगा बच्चों इसमें, ठीक है। तो यहां पे बच्चों लिखते हैं इसके बारे में, यस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग can be called combustion in fact slow combustion। कैसा combustion है बच्चों? slow combustion, slow combustion because rusting also takes place। rusting का मतलब बच्चों समझते हो क्या होता है? rusting का मतलब होता है जंग लगना, जैसे लोहे पे जंग लगती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना बच्चों, तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है और पानी जरूरी होता है, लेकिन combustion के लिए तो ऑक्सीजन ही जरूरी होती है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। तो स्लो कंबशन बिकॉज रस्टिंग आल्सो also takes place का मतलब होता है होना, takes place in the air, in presence of humidity, humidity का मतलब पानी, ठीक है, मतलब humidity का मतलब होता है water present in the atmosphere is known as humidity, ठीक है, yes। तो in presence of humidity in the atmosphere, ठीक है, जैसे कंबसन के लिए बच्चों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार रस्टिंग के लिए भी बच्चों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, मैंने दो तीन बातें लिखी हैं। यस मतलब जो कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, देखो दो चीजें हैं, एक तो रस्टिंग होता है एक कंबसन होता है, तो रस्टिंग और कंबसन बेटा एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कंबसन में किसी चीज को जलाते हैं और रस्टिंग में किसी जो मेटल होती है उस पर जंग लगती है, ठीक है। मेटल जैसे लोहा हो सकता है, ठीक है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है, उसके बाद कॉपर हो सकता है, कॉपर पे कॉपर कार्बोनेट बनता है, सिल्वर पे सिल्वर सल्फाइड बनता है, आयरन पे आयरन का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये क्या है? रस्ट है एक प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो लेकिन यहाँ पे कंबसन होता है बच्चों, तो कंबसन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।